हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है और जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत जल्दी आप लोगों का वन शॉट LMR रिविजन, लाइव रिविजन आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार और जनवरी एंडिंग का वेट कर लो पूरा लगातार। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको लाइव पढ़ाएंगे और इतना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट साथ ही में रिवीजन देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तब तक हमारा जो बचा कुचा चैप्टर है उसको हम लोग वापस से पढ़ा के दोबारा पढ़ा के कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं, ये दूसरी बार है, ये सब चीज आप जानते भी हो। तो अच्छी तरीके से सपोर्ट करते रहो, बस आपका प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। तो आज क्या लेकर आया हूं, अगेन हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने नया चालू किया वापस से। ठीक है, और जो ये सेकंड बैच है हमारा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला जो प्रैक्टिस सेट 6.1 था उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। दो लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है और ये आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 जो कि टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन यानी कि टोटल थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है कि आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। कि मतलब आपको ऐसा बोला है कि ये इधर था फिर ये एक ऐसा एंगल बना रहा है, मतलब बोलते ना दिमाग वाला खेल है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछते। आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ज्यादातर 6.1 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, लेकिन इस 6.2 में मैं आज जो चार क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, टोटल चार क्वेश्चन आज कराऊंगा। ये चार में से कोई एक एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जरूर से अच्छे से वीडियो को एंड तक देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए, क्विजेस और टेस्ट सीरीज आने स्टार्ट हो गए हैं हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे, और जिन लोगों को नहीं पता है हमने हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके JR ट्यूटोरियल सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और उसके अंदर फिर रजिस्टर पूछेगा, रजिस्टर कर लेना अपना जो भी डिटेल्स है वो डाल के। ठीक है, पूरा सिक्योर है, हम पे विश्वास रखो, पूरा सिक्योर है। डाल के रजिस्टर करके फिर लॉगिन हो जाना, और लॉगिन जैसे ही करोगे तो बहुत सारे फोल्डर्स आपको दिखेंगे, उसमें क्विज सेक्शन में चले जाना, बाकी लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स, बाकी सब चीज उसमें मिल जाएगा। और आप लोग के लिए कुछ क्रैश कोर्सेज भी हम तैयार कर रहे हैं जो आप लोग को अपने फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे अगेन इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का 6.2 एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक पर्सन स्टैंडिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च। एक चर्च है, वो चर्च से एक पर्सन खड़ा रह रहा है 80 मीटर दूर पे। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग को दिमाग में लेना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, और उसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, देखो एक पर्सन है जो कि स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च। अब चर्च हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन मैं चर्च ड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब इतना लंबा चढ़ा हम लोग को चर्च को ड्रॉ करने के लिए जरूरत नहीं है। तो समझ लो कि मेरे पास क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो खड़ा है एक चर्च से। तो समझ लो कि ये आपका एक पर्सन होगा, ठीक है, ये पर्सन होगा। अब ये पर्सन जो है ना, ये लगभग कितने दूर खड़ा हुआ है, 80 मीटर दूर खड़ा हुआ है। कितना दूर खड़ा हुआ है, 80 मीटर दूर खड़ा हुआ है, किधर से, चर्च से। तो समझ लो यहां पे एक चर्च है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए बी। तो ए बी मेरा क्या है, चर्च, ये मेरा चर्च है। ठीक है, अब ये चर्च से 80 मीटर दूर कौन खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम मैंने रख दिया सी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। मतलब ये जो इंसान है ये चर्च के टॉप पे अगर देखेगा तो यहां से यहां तक देखेगा ऑब्वियसली, तो वो जो देख रहा है उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। क्वेश्चन में बोला हुआ है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, यानी कि जो हाइट दिख रहा है एबी, एबी क्या है मेरे लिए, चर्च है ना, तो चर्च का जो हाइट है एबी ये कितना है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एबी का हाइट निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत सिंपल है। और ये 80 मीटर आपको दिया हुआ है तो ये लिख दो, इसके बीच में कितना है, चर्च के और इंसान के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको एक चीज पता था, क्या पता था दोस्तों, कि यहां पे हमको एक चर्च है एक ये है, बट ये जो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल बनता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं बात करूं, इन ट्रायंगल इसका नाम क्या है, एबीसी। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। तो ये ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप नोटिस करोगे, तो एक एंगल मुझे पता है, तो इस एंगल का यूज करके मैं साइन या फिर कॉस या फिर टेन लगा सकता हूं, ये तीन ज्यादातर लगते हैं, साइन कॉस टेन। तो यहां पे मुझे एक्चुअल में चाहिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो इस एंगल का ये डिस्टेंस क्या है, अपोजिट है, और मेरे पास वैल्यू क्या है, अपोजिट, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, उसके जस्ट नीचे है, मतलब एडजेसेंट है, मतलब मेरे पास अपोजिट है और एडजेसेंट है, दो साइड के वैल्यू है, एक अपोजिट साइड का वैल्यू है और एक एडजेसेंट साइड का वैल्यू है। तो मैं क्या लगाऊं, साइन लगाऊं, तो आपको पता है साइन का वैल्यू होता है ओ, ओ मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं ले सकता, मतलब मैं साइन नहीं ले सकता। कॉस का वैल्यू क्या होता है, ओ आह, आह मतलब ए अपॉन एच,
मतलब एडजेसेंट और हाइपोटेनस होना चाहिए, तो हाइपोटेनस तो है ही नहीं, मतलब कॉस भी नहीं दे सकता। टेन में क्या होता है, ओए होता है, ओए पता है ना, साइन कॉस टेन ओ आ ओए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो टेन मतलब ओए होता है, तो ओ अपॉन ए मतलब अपोजिट साइड पता होना चाहिए और एडजेसेंट साइड पता होना चाहिए। तो यहां पे अपोजिट साइड निकालना है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और एंगल भी पता है, तो मैं क्या लगा सकता हूं, टेन लगा सकता हूं। तो एंगल कितना है 45, यानी कि टेन 45 का फॉर्मूला लगेगा। तो टेन 45, टेन का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे इस एंगल में टेन 45 का अपोजिट कौन सा है, ए बी है, अपॉन एडजेसेंट कौन सा है, बीसी, सीबी बोलो बीसी बोलो एक ही बात है, सीबी लिखता हूं मैं, बाकी मैं ये जो है इसको मिटा दो, कॉन्सेप्ट समझा रहा था, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, 1045 का वैल्यू आप सब जानते हैं, 1045 1 होता है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, एबी का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो एबी का वैल्यू एबी ही रहेगा, बीसी या फिर सीबी का वैल्यू पता है मुझे 80, ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 80, तो आपका आंसर आ गया यहां पे, दैट इज देयरफॉर एबी इज इक्वल टू 80। एबी क्या है आपका, हाइट ऑफ चर्च, एबी क्या है, हाइट ऑफ चर्च है ना, तो देयरफॉर 80 ना, हाँ बराबर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू 80 मीटर, तो मतलब उस चर्च का हाइट कितना है 80 मीटर, ये कितना है 80 मीटर, तो आपका वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और समझना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा खंबा होता है, उसमें लाइट लगा होता है, उसको बोलते हैं लाइट हाउस, ठीक है, ये आपने देखा भी है, पढ़ा भी होगा। तो समझ लो कि मेरे पास एक लाइट हाउस है, तो मैं क्या करता हूं, एक लाइट हाउस को ड्रॉ करता हूं, समझ लो एक बड़ा सा लाइट हाउस होगा ए बी नाम का, मैं नाम रख देता हूं इसका यहां से यहां, ए बी नाम का एक लाइट हाउस है, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप्स मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, मतलब कि यहां से फ्रॉम द टॉप बोल रहा है ना, मतलब यहां से टॉप ऑफ लाइट हाउस से एक इंसान किसको देख रहा है, एक शिप को देख रहा है, तो समझ लो कि एक शिप होगा यहां पे कहीं पे, नीचे की तरफ देख रहा है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब इस प्रकार से वो देख रहा है एक शिप को, यहां पे क्या है, शिप है, इसका नाम मैं सी रखता हूं, ठीक है। ए बी मेरे लिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू लाइट हाउस, देखो यहां पर मैं लिख भी देता हूं सब चीज, ए बी मेरे लिए लाइट हाउस है, सी जो है मेरे लिए शिप है, ठीक है, और ये जब इसको देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, कितने का एंगल बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का, ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखोगे इस प्रकार से, सॉरी इस तरीके से नहीं एंगल बनेगा, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे एंगल नहीं बनेगा, माफ करना, ये एंगल ऐसा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये इस प्रकार का एंगल 60 डिग्री, डिप्रेशिएशन हो रहा है ना, डिप्रेशन हो रहा है, तो एंगल कभी भी स्ट्रेट के व्यू में जाता है, मतलब मेरे लिए 90 क्या हो गया, अगर मैं देख रहा हूं, देखो मेरा, देखो अगर मैं आप लोग को देखता हूं, मेरे लिए 90 क्या है, सामने, ठीक है, मेरे लिए 60 क्या है, नीचे देखूंगा मैं, मतलब मेरे नीचे में एक बॉटल दिख रहा है, तो मैं ऐसा देखूंगा, समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए 90 स्ट्रेट है, 90 के ऊपर एंगल गया, 100 110 120 गया, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, 180 रहेगा तो पूरा ऊपर, ये 90 और 60 थोड़ा नीचे, तो वैसे नीचे देखूंगा मैं, तो मैं एकदम टॉप पे खड़ा लाइट हाउस के, तो मैं नीचे देखूंगा ऑब्वियसली, तो ये जो है वो नीचे देखेगा, तो ये लाइन क्रिएट होगा, वो शिप को देख रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो लाइट हाउस का जो जमीन है और शिप का जो लेवल है, समझ लो एक ही है, ठीक है, हमें ये पूछा है, इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब ये जो लाइट हाउस है इसका हाइट है 90 मीटर दिया हुआ है, ये कितना बड़ा है, 90 मीटर का दिया हुआ है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, मतलब ये जो शिप है और ये जो लाइट हाउस है इनका डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको इन शॉर्ट एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब शिप का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, तो उसको मैंने मान लिया एक्स, ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क के, समझ में आ रहा है, तो चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब एक चीज देख लो यहां पे, कि ये 60 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका 60 डिग्री बनेगा, क्यों बनेगा, अल्टरनेट एंगल, ये आप जानते हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका कुछ नाम देना है तो आप दे सकते हो, अगर आपको कुछ नाम देना है तो इसका नाम मैं पी रख देता हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा एंगल जो है कौन सा वाला, पी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज ए सी बी, एंगल ए सी बी के बराबर रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, किसके वजह से हो रहा है ये, अल्टरनेट एंगल के वजह से हो रहा है, समझा ये चीज। अब मेरे को ये पता चल गया कि ये 60 डिग्री है, तो मैं इसमें कुछ लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, अगर आप देखोगे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन है और ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 30 होगा, बचा हुआ 30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर एंगल जो है ये बी ए सी, एंगल
बी ए सी जो रहेगा, सिर्फ ये वाला एंगल देखो, बी ए और सी ये वाला एंगल जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा ऑब्वियसली। क्यों 30 डिग्री आया, बचा हुआ एंगल 30 होगा ना, टोटल 90 है, तो 90 माइनस सिंस करके लिख सकते हो यहां पे, सिंस 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये आप ट्राइंगल देखोगे तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए बी सी जो है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी जो होगा, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी जो होगा ये क्या फॉलो कर रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम फॉलो कर रहा है। ये हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में पढ़ा था, 30 60 90 डिग्री थ्योरम पढ़ा था। अब इसके अकॉर्डिंगली ये ट्राइंगल है मेरा ए बी सी जो है मेरा ऐसा फॉलो कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमको एक्चुअल में ये चीज निकालना ही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, ये वैल्यू अवेलेबल है, तो अगर मैं इस वैल्यू को लूं जो कि है दोस्तों ये थीटा को लू मतलब 60, तो मैं ऐसा लू क्या tan 60, ये वाला वैल्यू tan 60 का वैल्यू, tan मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मुझे पता है। अब आप बोला कि सब tan ही क्यों लिया, क्योंकि ज्यादातर tan ही होता है और दिमाग का खेल है ना, जैसे मैं बोला tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये tan है ये एंगल है, तो इसके लिए अपोजिट ये पता है मुझे और एडजेसेंट ये पता है, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है ना मुझे, तो हाइपोटेनस नहीं पता है तो मैं ना साइन ले सकता ना कॉस ले सकता, क्योंकि दोनों में हाइपोटेनस आता है, तो साइन कॉस लेना ही नहीं है, टेन लेना है, तो टेन में है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट का साइड है ए बी और एडजेसेंट है बी सी, मतलब ए बी बाय बी सी। ठीक है, तो ए बी बाय बी सी समझ में आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास 90 और बी सी कितना है हमारे पास एक्स पता ही नहीं है, लेकिन टेन 60 का वैल्यू आप जानते हो गया, टेन 60 इज नथिंग बट वॉट, बताओ मुझे टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। मैंने आपको याद करवाया था साइन कॉस टेन का वैल्यू, ये तीन चीज का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सिर्फ साइन का पता रहेगा तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स, हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय √3, समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना है 90 मल्टीप्लाई बाय √3। अब आप देखो यहां पे कि √3 जो है, ठीक है, 90 को √3 जो है आपको देख पा रहे होंगे, तो मुझे एक्चुअल में चाहिए एक्स का वैल्यू ना, तो √3 का वैल्यू हमें दे रखा है 1.73। ठीक है, √3 का जो वैल्यू है वो 1.73 दे रखा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब एक और चीज अगर आप देखोगे यहां पे 1060 ये जो वैल्यू है ना, 1060 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 90 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हाँ सॉरी 90 बाय √3 आएगा, माफ करना, ठीक है 90 बाय √3, एक्स इज इक्वल टू 90 इधर था और नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, तो 90 का वैल्यू तो आप जानते हो 90 ही रहेगा, लेकिन √3 का वैल्यू आप जानते हो 1.73, तो 90 को 1.73 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 90 को 1.73 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, आप देखो अगर आपको डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा करने नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 173। अब इजी हो गया, तो 9000 को 173 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51.90। और एक्स क्या है आपके लिए, एक्स का वैल्यू मतलब है बीसी, तो देयरफॉर आपका वैल्यू आ गया बीसी का, और आपको यही चीज तो निकालना था ना, बीसी का मतलब क्या है आपके लिए, बीसी इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस एंड शिप, तो अब बीसी का वैल्यू आ गया 51.90 मीटर। ठीक है, 51.90 मीटर, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम शिप इज इक्वल टू 51.90 मीटर, ऐसा आप एक स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, वो वहां पे कंप्लीट कर देना स्टेटमेंट, क्लियर समझ में आ गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी आते हैं, बस क्या होता है ना, दिमाग का खेल है, मतलब एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए ना, टेंथ के लेवल का, नाइन्थ में तो आपने पढ़ा ही है, टेंथ के लेवल का इतना इजी होता है कि आप मतलब बोलोगे कि यार इससे इजी कुछ हो सकता है क्या। तो मैं आपको एक ही चीज सिखाता हूं हमेशा कि लाइफ में जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें हार्ड लगता है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ा जाए और उसको प्रैक्टिस किया जाए तो वही चीज आपको बहुत ईजी लगेगा, जैसे मुझे ये चीज ईजी लगता है क्योंकि मैंने आपको दो चार बार पढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने खुद ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो ये इजी लगता है। तो वैसे ही सेम आप एक बार इसको देख लिए वीडियो को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार प्रैक्टिस करो, देखो आपको कितना इजी लगेगा और आप बोलोगे क्या यार ये तो बच्चों वाला है, समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, मतलब क्या है कि एक रोड है, ठीक है, अब वो रोड के बीच में दो बिल्डिंग जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेट सपोज ये मेरा एक बिल्डिंग है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं एक सेकेंड, देखो यहां पे ये समझ लो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग और ये एक बिल्डिंग, ये दोनों एक बिल्डिंग है,
अब ये बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर। इसका आप नाम अगर कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, मैं नाम रख देता हूं यहां पे ए, यहां पे नाम रख देता हूं मैं बी, इसका नाम मैं रख देता हूं सी, इसका नाम मैं रखता हूं डी। ठीक है, ये दोनों रोड है। अब ये दोनों एक दूसरे के कितने दूर है, 12 मीटर जो है वो दूर है, करेक्ट। अब यहां पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। ये जो पहला बिल्डिंग है कितना है, ये 10 मीटर इसकी हाइट है, ये है कितनी मीटर, 10 मीटर इसकी हाइट है। अब इसके टॉप से एक व्यक्ति है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब अब ये जो सी है ना, ये सी कितना है, ये जो ये पहला बिल्डिंग था, ये बीच में रोड 12 मीटर का, ये दूसरा बिल्डिंग, लेकिन ये दूसरा बिल्डिंग कितना बड़ा है ये मुझे पता है क्या, ये दूसरा बिल्डिंग कितना बड़ा है मुझे पता है क्या, नहीं। लेकिन ऐसा बोल रहा है कि जो पहले बिल्डिंग के टॉप पे में अगर कोई इंसान खड़ा होता है और वो देखता है दूसरे बिल्डिंग की तरफ, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनेगा तो किसके रिस्पेक्ट बनेगा, जैसे मैंने बोला कोई भी एंगल बनता है 90 के, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के एंगल पे, तो ये स्ट्रेट लाइन समझ लो, ये स्ट्रेट लाइन ना यहां से अच्छा बनेगा, एक मिनट रुक जाओ, 1 2 3 4 हाँ। अब ये देखो यहां पे ना मेरे पास एक डॉटेड लाइन का ये है, समझ लो कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसके रेफरेंस में एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब देखो डिप्रेशन था इसके पहले वाले में, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, लेकिन स्ट्रेट के एलिवेशन में देखना मतलब ऊपर देखना, तो ऊपर देख रहा हूं मैं 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे ऊपर देख रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे, और ये एंगल किस पे जाएगा, खत्म होगा दूसरे बिल्डिंग की हाइट पे, मतलब ये हाइट यहां तक आएगा, मतलब ये दूसरा बिल्डिंग यहां पे, मतलब ये दूसरा वाला बिल्डिंग इतना बड़ा है और ये पहला वाला बिल्डिंग इतना ही छोटा है, और क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है, पूरा दिमाग का खेल है। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, बोलो। अब इससे सिंपल कुछ हो सकता है, मतलब इन शॉर्ट हमें सेकेंड बिल्डिंग का हाइट निकालना है, सेकेंड बिल्डिंग हाइट जो है मुझे निकालना है, जो कि मैं मान लेता हूं एक्स, तो ये एक्चुअल में क्या है, सीडी है ना, तो ये सीडी है और इसको मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, ये निकालना है, तो चलो फटाफट से निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास और क्या नहीं है वो ध्यान से देखना, हमको अगर सीडी निकालना है तो हमें मतलब ये पूरा एक्सडी का वैल्यू, मतलब पूरा एक्स पता होना चाहिए, ये पूरा क्या है एक्चुअल में आप देखोगे, ठीक है, पूरा जो है, चलो सीडी को एक्स जो मैंने माना है ना, इसको आप एक्स मत मानो। अब यहां पे देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये सीडी को मैंने एक्स माना, इसको छोड़ दो, यहां पे ये जॉइन हो रहा है तो यहां पे एक पॉइंट बनेगा, इसका नाम मैं कुछ रख देता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं एम, तो मतलब इन शॉर्ट मुझे इसका सी और एम का भी डिस्टेंस निकालना है और यहां से एम और डी का वैल्यू भी पता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये ए बी 10 मीटर का है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ए बी 10 मीटर है, तो ये एम से लेके डी भी कितना होगा, 10 मीटर होगा ऑटोमेटिकली, फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल बन गया, एफ स्क्वायर बन गया ना, तो ये 10 मीटर है, तो ये भी उसके सामने वाला भी 10 मीटर होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी मेरा 10 मीटर है, तो देयरफॉर ये जो यहां से लेके एम डी जो रहेगा ये भी 10 मीटर ही होगा, ये भी 10 मीटर ही होगा, करेक्ट है, इतना तो सिंपल आप समझ पा रहे होंगे ना। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 10 मीटर ही होगा, ठीक है। अब एक और चीज हम समझ सकते हैं कि ये जब 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये 12 मीटर है, तो उसके ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये भी आपका 12 मीटर होगा, यहां से यहां तक का, समझ में आ रहा है, मतलब ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब एक चीज आप समझ पा रहे हो, ये 60 डिग्री है, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले तो कि मुझे क्या मिला कि मेरा जो बीडी था, ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन ये दूसरा बीडी कितना है, 12 मीटर, तो जिस इसके वजह से क्या होगा कि बीडी के पैरेलल में क्या है, एएम है, तो एएम भी कितना होगा, 12 मीटर होगा, इसको भी मैं बोल सकता हूं, एएम भी कितना होगा, 12 मीटर, ये भी हो गया हम लोग का, समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, इसमें अपोजिट साइड का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, अब देखो यहां पे ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 12 मीटर, ये 12 मीटर, ठीक है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे, तो इस ट्रायंगल में इसका नाम मैं रखता हूं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एएमसी, एएमसी ट्रायंगल के अंदर मेरा जो एंगल एम है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 90 डिग्री बन रहा है ना ये स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 60 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि एक 90 है दूसरा 60 है, तो बचा हुआ 30 ऑटोमेटिकली होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर एंगल जो मेरा एसीएम रहेगा, एसीएम जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, और इसके वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा ट्रायंगल है जिसका नाम है एएमसी, जो ट्रायंगल है ये मेरा फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है, फॉलो कर रहा है। यहां पे एक लाइन खींच देता हूं और,
अब ये 30 60 90 फॉलो कर रहा है, तो एक्चुअल में मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है, मुझे इस चीज का डिस्टेंस चाहिए, इसका निकल गया, इसका मुझे 10 पता है, तो इसका और इसका मिला के प्लस कर दूंगा तो टोटल सीडी आ जाएगा, यही तो निकालना है, सीडी निकालना है ना मुझे, तो इसका कैसे निकालूंगा, ये क्या है, अगर मैं 60 को कंसिडर करूं, 60 को कंसिडर करूं तो 60 के ये अपोजिट में है, 60 के अपोजिट में है ये, दिख रहा है, और ये जो वैल्यू दिख रहा है 12 मीटर, ये उसके लिए एडजेसेंट है, तो अगर मैं वैल्यू लेता हूं मेरा टैन 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट क्या है, 60 का अपोजिट है सीएम, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट क्या है एएम, ठीक है, तो एएम सीएम का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो सीएम ही रहेगा, लेकिन एएम का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 12 मीटर, तो ये आ गया 12, यानी कि 1060 का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले बताओ 1060 इज नथिंग बट द रूट थ्री, अभी अभी हमने देखा था 1060 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री विल बी इक्वल टू ये सीएम और अपॉन नीचे 12, यानी सीएम का वैल्यू चाहिए तो 12 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री हो जाएगा, तो देयरफॉर सीएम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय सीएम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री का वैल्यू आप जानते हो 1.73 होता है, पिछले एग्जांपल में ही देखा था हमने, ठीक है ना, क्या होता है 1.73, लेकिन इसमें कहीं दिया नहीं है, देखो क्वेश्चन में अगर आपको रूट थ्री का वैल्यू 1.73 लिख के नहीं दिया तो मत लो, डायरेक्ट लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर सीएम इज इक्वल टू 12 रूट थ्री मीटर, तो आपको ये सीएम का वैल्यू आ गया 12 रूट थ्री मीटर, लेकिन आपको तो चाहिए सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, सेकंड बिल्डिंग यही है ना, तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये सीएम प्लस एमडी, ये सीएम प्लस एमडी, इन दोनों का प्लस करके तो सीडी इज इक्वल टू सीएम प्लस एमडी, सीएम का वैल्यू अभी अभी आपने निकाल दिया 12 रूट थ्री प्लस एमडी का वैल्यू आपको जानते ही हो, एमडी का वैल्यू कितना है 10 मीटर जो आपको पता ही है, ठीक है, तो वो डाल दो, ठीक है, एमडी का वैल्यू कितना है 10 मीटर, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, हाँ रहने दो इसको, हाँ और क्या कर सकते हो इसमें, अब देखो या तो आप इसमें रूट थ्री का वैल्यू डाल दो तभी आंसर आएगा, नहीं तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, तो रूट थ्री का वैल्यू जो है मैं डाल दूंगा, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.73 प्लस 10, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.73 कर लो, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.73 जब करोगे आप तो आ जाएगा लगभग 20.76 आएगा, ठीक है, तो 20.76 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया और प्लस 10, तो 20.76 प्लस 10 हो जाएगा, तो सीडी का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को जो कि हो जाएगा 30.76 मीटर, तो आपको जो पूछा था द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, नीचे लिख दो द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 30.76 मीटर, तो ये सीडी का वैल्यू पूरा का पूरा सीडी आ गया जो कि आपका सेकंड बिल्डिंग का हाइट है ना, ये सेकंड बिल्डिंग का हाइट, तो सेकंड बिल्डिंग का हाइट कितना आ गया 30.76 मीटर, तो सोचो ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते कि नहीं, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, ये बिल्डिंग ऊंचा है ये नीचा है कितना डिस्टेंस होगा, तो ये जो चीजें ना ट्रिग्नोमेट्री ये रियल लाइफ में भी यूज होता है, बस आपको यूज करने आना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हमने क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हाँ बहुत सारी चीज 90% यूज नहीं होता रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन ये सब चीज यूज होता है अगर आप यूज करोगे तो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके, तो जरूर से कॉमेंट करके बताना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए, तो चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या क्वेश्चन है भाई, देखो अगला क्वेश्चन ये है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, मतलब दो पोल्स है आपको दिए हुए, कौन से दो पोल्स आपको दिए हुए, एक का हाइट है 7 मीटर, ठीक है, एक का हाइट कितना है 7 मीटर, ठीक है, चलो एक का हाइट पहला कितना दिया, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर, तो ये समझ लो कि मेरा थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको, ये 18 मीटर रहेगा एंड दूसरा जो है वो 7 मीटर है, तो ये समझ लो छोटा रहेगा 7 मीटर मतलब इतना रहेगा, तो ये है आपका ए बी, समझ लो इसका नाम मैं रखता हूं ए से लेके बी, इसका हाइट है 18 मीटर और दूसरा है मेरा ये वाला, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं स्ट्रेट, हाँ इसका नाम मैं रखता हूं सी डी, ये छोटा वाला जिसका है 7 मीटर हाइट, दो पोल्स हो गए, दो पोल है और वो दो पोल ग्राउंड पे कनेक्टेड है, ठीक है, ग्राउंड पे कनेक्टेड है, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट द टॉप्स इन 22 मीटर, मतलब 22 मीटर का जो वायर है वो बांधा गया है, तो मुझे बताओ कि ये इसका टॉप है ये इसका टॉप है, तो जब इसके ऊपर वायर बांधा जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना होगा 22 मीटर का होगा, तो ये पूरा वायर कितना है 22 मीटर का है पूरा वायर, एक बिल्डिंग का टॉप सबसे ऊपर का और दूसरे बिल्डिंग का टॉप ऊपर का, तो ऐसा वायर गया हुआ है, वायर बांधा हुआ है, ठीक है, तो 22 मीटर का वायर बांधा हुआ है, ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है फाइंड द एंगल, देखो सबसे अलग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, एंगल निकालो मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो मतलब हॉरिजॉन्टल जो है आपका हॉरिजॉन्टल किधर है, सबसे पहले तो देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से लेके यहां हॉरिजॉन्टल है आपका, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है ना स्ट्रेट लाइन, तो उससे एंगल कितना बन रहा है वो हम लोग निकालेंगे, मतलब पहले बिल्डिंग का सेकंड बिल्डिंग से एंगल कितना बन रहा है, मतलब ये जो एंगल है जिसको मैं मान लेता हूं थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग क्या निकालना है, एंगल मेड बाय वायर, वायर इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझा क्या निकालना है और कैसे निकालना है,
समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो अब इसको भी कनेक्ट कर दो, ये ग्राउंड है आपका, ये कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग को निकालनी पड़ेगी खुद से। कैसे? देखो यहां पे ध्यान से, आपको और क्या बोल रहा है, आपको और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये टोटल 18 मीटर है, ये 7 मीटर है, ठीक है। तो ये मुझे एक बात बताओ, ये आपका टोटल 18 मीटर है, ठीक है। देखो यहां पे एक सेकेंड, ये 18 मीटर टोटल था आपका, ये पूरा का पूरा कितना है, 18 मीटर है, कितना है 18 मीटर, लेकिन ये इतना जो है सीढ़ी का जो इतना है ये 7 मीटर है, तो ये भी आपका 7 मीटर ही होगा। इधर पे एक नाम रख दो, इसका नाम मैं रखता हूं पी रखता हूं, ठीक है। तो ये आपका 7 मीटर है, क्योंकि ये भी 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, तो आप लिख सकते हो यहां पे कि CD इज इक्वल टू 7 मीटर, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो भी 7 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भाई रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है, ये आप लिख सकते हो, आगे लिख लेना रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। एक और चीज, ये 7 मीटर है तो ये बचा हुआ कितना होगा, टोटल 18 है, इसमें से 7 गया, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर मुझे चाहिए AP का वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूं AP प्लस PB, AP प्लस PB जो है वो किसके बराबर है, ये AP और PB प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर है, पूरे AB के बराबर है, पूरे AB के बराबर है। तो सिर्फ AP का मुझे वैल्यू पता है क्या? नहीं, AP वैसे का वैसे ही, PB का वैल्यू मुझे पता है क्या? यस पता है, 7 मीटर है, इज इक्वल टू AB का वैल्यू, पूरे का वैल्यू पता है क्या, पूरा AB पता है क्या? यस पता है, जो कि है 18। समझ में आ रहा है? तो लिख दिया यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है? मेरे को AP का वैल्यू यहां से चाहिए, तो AP विल बी इक्वल टू व्हाट, 18 माइनस 7, तो AP का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, कितना हो जाएगा, 11 मीटर। मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो इतना वैल्यू है ये 11 मीटर है। अब देखो डायग्राम जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा 11 है ना, ये 7, ये 11 इतना छोटा, तो ये और बड़ा जाएगा, डायग्राम समझ जाएगा आप लोग को, बनाने के टाइम समझ जाएगा, लेकिन इतना याद रखो कि ये 11 है, इतना ये 11 है। अब मुझे इतना पता चल गया कि AP 11 है, तो मुझे एक वैल्यू पता चल गया, ये एंगल है, ये एंगल के अपोजिट में एक वैल्यू पता है, ये एंगल के हाइपोटेनस में एक वैल्यू पता है, तो अपोजिट और हाइपोटेनस किस में आता है, O मतलब अपोजिट, H मतलब हाइपोटेनस, तो O और H किस में आता है, O साइन में आता है, तो आप क्या लोगे, साइन लोगे, तो हम यहां पे लेंगे साइन का वैल्यू, यानी कि देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट मेरे लिए क्या है, थीटा के लिए अपोजिट है ये वाला AP, AP का साइड है ना, अपॉन हाइपोटेनियस का साइड क्या है, देखो यहां पे हाइपोटेनियस मतलब ये 90 के अपोजिट वाला, मतलब ये हाइपोटेनियस है AC, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, AP का वैल्यू क्या है, 11 अपॉन AC का वैल्यू कितना है, 22, यानी कि देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 11 बन जाए 11 बराबर 11 टू जा 22, मतलब 1/2 आ गया, तो 1/2, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। लेकिन हमको तो थीटा का वैल्यू चाहिए ना, हमको तो निकालना है थीटा, हमको तो एंगल निकालना है, तो मतलब थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन, इधर है 1/2 के पास जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2। और आप सोचो अभी साइन के कॉलम में 1/2 कब आता है, तो साइन 30 1/2 होता है ना, साइन 0 0 उसके बाद साइन 30 आता है, साइन 30 1/2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब आपका जो एंगल बन रहा है, हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, कि जो आपका एंगल बन रहा है, फाइंड द एंगल बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द एंगल मेड बाय वायर विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा फ्रेम होंगे, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को देख रहा हूं मैं इस प्रकार के, लेकिन ये होता इजी है, बस दिमाग का खेल है और सोचना पड़ता है। एक बार आपने रफ डायग्राम बना लिया तो आपको पूरा आसानी से सॉल्व जाएगा, क्योंकि बाकी जब चीजें जो है वो सब पाइथागोरस का खेल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस के खेल है, एंगल्स का खेल है, 30 60 90 का खेल है, सब चीज जो आपने पहले से पढ़ रखा है ये सब का खेल है, बाकी सब चीज इजी है। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, बाकी के एक दो एग्जांपल बचे हैं इस 6.2 एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट के, तो वो आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं मैं, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट वो मैंने करा दिए, तो ये कर लेना, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है दूसरी बार पढ़ा के भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जब हम मिलेंगे तो हो सकता है एक नया चैप्टर शुरुआत करें, ठीक है, तो जरूर से हमारे साथ कनेक्टेड रहना, साइंस के वीडियोस कंटिन्यूस आ रहे हैं, मैथ्स के कंटिन्यूस आ रहे हैं, बाकी पुराने वाले व्हाइट बोर्ड वाले सब चीज पूरा पढ़ा के कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर हिंदी मराठी ग्रामर के भी कई सारे वीडियोस प्रेजेंट है, और साथ ही में बोर्ड रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपके मन में डाउट्स होंगे वो सभी के वीडियोस प्रेजेंट है, पूरा वन शॉट वीडियोस प्रेजेंट है, सब देखते रहो, न्यू वाले वन शॉट भी आ जाएंगे जल्दी, तो बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।